हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के बंद होने की आशंका 2 महीने से नहीं मिल, हर माह मिलते थे इतने रुपए। तो दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस सरकार चलाई जा रही है, बेरोजगारी भत्ता योजना के बंद होने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में आखिरी बार नवम्बर 2023 में बेरोजगारी भत्ता की आखिरी किस्त जारी की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि प्रति महीने 2500 रुपए प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी भी बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी भत्ते पर अभी तक अधिकारियों को निर्णय नहीं लिया गया है। और जैसे कि दोस्तों, रोजगार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन से किसी प्रकार का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में 16,62,000 पंजीकृत बेरोजगार है, जिसमें से 1.29 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना में पंजीयन कराया था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतिम बार अगस्त 2023 में योजना की किस्त जारी की थी। ठीक, बेरोजगारी को नवंबर महीने तक मिलता रहा लाभ। इसके बाद आचार संहिता की अवधि में भी योजना का लाभ बेरोजगारों को नवंबर महीने तक मिलता रहा। प्रदेश में बेरोजगारों को 8 महीने में 146 करोड़ रुपए का वितरण किया। प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी। 12वीं पास बेरोजगार को इस योजना के तहत उनके खाते में सीधे 2500 रुपए राशि प्रदान की जाती थी। बेरोजगारों को आर्थिक मदद के साथ ही कौशल विकास परीक्षा पर ध्यान रखा गया था। और योजना के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, इसके लिए जैसे कि अभी जो निर्देश तो नहीं हुआ है, इसका जो किस्त कब मिलेगा और इसका भी कोई जानकारी नहीं मिला है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कि दोस्तों, जिसका इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसे कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म के लिए आपको यहाँ पास क्या करना होगा, अपडेट तो हो चुका है इस पोर्टल, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीएम का अपना मुख्यमंत्री का फोटो लग गया है। तो इसका जो योजना का कुछ दिन के बाद स्टार्ट भी हो सकता है, ये तो हो भी सकता है। जैसे कि इसका जो फॉर्म है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता .cg.nic.in करके सर्च कर लेना, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई जानकारी आपको ले लेना है, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस नियम के शर्त पर आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे पात्र छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, 1 अप्रैल की को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष। ठीक है, आप 12वीं पास उत्तीर्ण हो और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन, मतलब आपका जो पंजीयन है वो 1 अप्रैल से 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, एक परिवार में एक ही सदस्य को, और यहाँ पर जैसे कि कोई भी जानकारी, आपके घर में जॉब नहीं होना चाहिए, पूर्व मंत्री नहीं होना चाहिए, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है, आपको पढ़ लेना है। आवेदन की जो प्रक्रिया केवल ऑनलाइन रहेगा और रोजगार का लेने में पंजीयन क्रमांक, ठीक, मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आधार कार्ड, राशन कार्ड ना हो तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य रूप से, बैंक खाता जानकारी डीबीटी के लिए और प्रवेश परीक्षा हेतु च्वाइस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है ये आपको दिया है, रोजगार पंजीयन कार्ड और 10,000 का मार्कशीट। अगर आपको कोई भी जैसे ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, ये सभी आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, आपको सबसे पहले अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आपके पहले से है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अगर नए खाते आप नए रोजगार हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे रोजगार पर क्लिक करेंगे, आपस नए खाते पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नया पोर्टल लॉन्च मतलब मिलेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर आपस रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है, आपस मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ओटीपी पर भेजे पर क्लिक कर लें। जब आप भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपको नाम डालना है, आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, अपना आधार नंबर डालकर आपको सबमिट कर लेना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर बैक कर लेना है और आपको वहाँ पर आईडी पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड और जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको दर्ज कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड को डालकर ये लॉग इन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे कि सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता का आप लॉग इन करेंगे तो आप इस तरह से जो डैशबोर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आवेदन करे, आवेदन डाउनलोड करे, आवेदन की स्थिति अपील करें, आपको अनुपस्थित में कारण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए जाते हैं तो आप उस डेट में नहीं पहुंचते तो आप यहाँ पर उपस्थित के कारण भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आवेदन कार्य पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, आपको इस कॉल करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग जो भी वैक स्थिति, आप जाति, दिव्यांग, रोजगार पंजीयन क्रमांक आपको, ठीक है, यहाँ पर सबको जैसे कि यहाँ पर दिनांक डालना है, परिवार की वार्षिक आय, योग्यता आपको डाल देना है। इसके बाद आपको पता डालना है, जैसे कि यहाँ पास पता का ऑप्शन मिले हैं, ठीक है, पता आपको ग्रामीण और नगर जो भी वार्ड है, आपको ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम, पूरा पता, पिन कोड,
ये दर्ज करना है। उसके बाद आपको बैंक खाता की जानकारी सही से डाल देना है, ठीक है, खाता नंबर पुनः खाता नंबर दर्ज करना है। और जैसे कि यहाँ पर सबको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, सिर्फ आवेदक का फोटो, रोजगार प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की अनुसूची, 12वीं की अनुसूची भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कौशल परीक्षा जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर सब क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जो जो अपलोड किया है उसको आपको जो भी नजदीकी सेंटर बना हुआ है वापस आपको जाएगा, वहां पर सर वेरीफाई होने के लिए आपको कॉल आएगा जब आपको जाकर वापस उपस्थित होना है, ठीक है। ये है कि इस तरह से आप वापस बेरोजगारी भत्ता में फॉर्म भरकर आप वापस इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी निर्देश आता है, कोई भी जानकारी आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।